अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने देखा कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है उसमें प्रोडक्शन के लिए अगर मुझे किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना है देन वी हैव टू नीड फैक्टर इनपुट्स। हमें फैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, हमें इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। हमने वो चार इनपुट्स पढ़े, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। चाहे मैं कोई से भी गुड्स प्रोड्यूस कर लूं, चाहे मैं कोई सी भी सर्विस प्रोड्यूस करूं, मेरे को इन फैक्टर्स इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। देखो हमने देखा यहां पे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फोर्थ वन इज ऑनर। अब चाहे मैं किस भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लूं, मुझे हर जगह लैंड की भी जरूरत होगी जहां पे मैं उसका प्रोडक्शन कर सकूं। मुझे लेबर की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक्चुअली में वर्क कौन कंडक्ट करेगा, अगर लेबर नहीं होगी क्या मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, दैट इज लेबर इज नेसेसरी। अब बात करें हम कैपिटल की, कैपिटल का जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसी से तो हम मशीनरीज परचेज करते हैं, उसी से तो हम टूल्स लेते आते हैं, उसी से तो हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं। क्या कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी? कैपिटल भी रिक्वायर्ड है। अगर मैं बात करूं ऑनर एंटरप्रेन्योर, वो भी जरूरी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करेगा, जो डिसीजंस लेगा, जो हर एक चीज की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेगा। तो ऑनर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करें, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, क्योंकि आप सबको पता है प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स होते हैं उनसे रिलेटेड, एंड टर्शियरी सर्विसेज में मेनली सर्विसेज होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर हम इन तीनों में लें तो वहां पे भी लैंड, लेबर जरूरी होती है, कैपिटल भी जरूरी होती है और ऑनर भी जरूरी होता है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप ही लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। इन चारों का यूज करके और इसमें हम जब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ प्रोसेस करते हैं और हमारा जब आउटपुट निकल के आता है, यही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है, यही हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। क्या बोला मैंने? जब हम अपने वेरियस रिसोर्सेस को, हम जब हम अपने वेरियस रिसोर्सेस को यूज करके उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं और जब हमारा फाइनल गुड मतलब हमारा आउटपुट निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या है? एक प्रोडक्शन है। तो जनरली क्या बोल रही हूं मैं कि जब हम अपने इनपुट, क्या इनपुट, क्या रिसोर्सेस है हमारे, हमारे रिसोर्सेस है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर, और सारे भी इनपुट्स है पर चार हमने यहाँ पे मेन लिए हैं जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होते हैं। इनको हम नजरअंदाज या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इनकी मदद से हम इनको कंबाइन करके एक अपना फाइनल गुड को तैयार करते हैं। इस सारे प्रोसेस को, इनके बीच का एक रिलेशनशिप नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। अब जो फर्म्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है वो, या फिर प्रोड्यूसर होता है वो अपने बिजनेस को दो रन में, दो पीरियड में कंडक्ट करता है, या तो वो शॉर्ट रन में करता है या फिर वो लॉन्ग रन में अपने बिजनेस को परफॉर्म करता है, या तो शॉर्ट रन में या फिर लॉन्ग रन में। अब इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में उसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब हम पहले यहां पे समझना चीज को, हमारे मेन चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑनर। अगर मैं बात करूं शॉर्ट रन की, इसमें हम महीने लेंगे 5 से 6 महीने, पर अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन में, अगर एक प्रोड्यूसर लॉन्ग रन में
पीरियड में काम कर रहा है, तो मोर देन 1 ईयर, मोर देन 2 ईयर, मोर देन 1.5 ईयर, जहां पे उसके पास टाइम अवेलेबल होता है। अगर मैं बात करूं लैंड की, क्या वो अपने 3-4 महीने में एक और लैंड परचेज कर पाएगा? क्या वो 3-4 महीने में लैंड परचेज कर पाएगा? नहीं। तो हमारे शॉर्ट रन में हमारे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स जो होते हैं, जिनको हम बढ़ा नहीं पाते बिकॉज ऑफ शॉर्ट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। हम लेबर को बढ़ा सकते हैं, हम लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो अभी मैं बताऊंगी, किस रीजन की वजह से लेबर इंक्रीज हो सकता है हमारे शॉर्ट पीरियड में भी। कैपिटल, क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 1 करोड़ 2 करोड़ की 3 से 4 महीने में इन्वेस्टमेंट कर पाना क्या इजी है? नहीं है। हम कैपिटल को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं हमारे शॉर्ट रन में। फिर अगर हम बात करें ऑनर की, क्या हम 4 से 5 पीपल्स को, मैनेजमेंट को क्या इंक्रीज कर पाएंगे शॉर्ट रन में? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनको वेजेस का खर्चा भी ऐड करना पड़ेगा, जो उनको प्रॉफिट जाएगा वो भी होगा, वो हम इजिली बियर नहीं कर पाएंगे इन शॉर्ट रन। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फिक्स जो होते हैं और कुछ वेरिएबल, मतलब कि जो जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ेगा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो लैंड होगा वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, पर अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे फैक्टर भी हैं जो जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज होगा वो वेरी होते रहेंगे एज पर द सिचुएशन। पर यही चीज में अगर लॉन्ग रन में बात करूं, हमारे लॉन्ग रन में लैंड को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम होता है, एक साल 2 साल 3 साल 3-4 साल में, 2-3 साल में हम न्यू लैंड को परचेज कर पाएंगे। अगर मैं लेबर की बात करूं, लेबर अगर शॉर्ट रन में वैरी कर सकते हैं तो लॉन्ग रन में भी वैरी करेंगे, क्योंकि जब मेरे पास शॉर्ट रन में इतनी ही जमीन थी पर मैंने लॉन्ग रन में क्या करा, इतनी जमीन और खरीद ली, तो मुझे उसमें काम करने के लिए लेबर की नीड होगी नहीं होगी? होगी। अब मेरे को इन्वेस्टमेंट वहां के लिए भी मशीन्स, वहां के लिए भी टूल्स, वहां के लिए भी रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, जिससे कि मैं अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाऊं, और वहां के लिए भी मुझे ऑनर चाहिए होंगे, वहां के लिए भी मुझे ऐसे पर्सन चाहिए होंगे जो हर एक चीज को डीपली एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग कर सके। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, मतलब शॉर्ट रन की अगर हम बात करें वहां पे कुछ फैक्टर्स फिक्स रहेंगे और कुछ फैक्टर वेरिएबल होंगे, दैट इज वेरी एज पर द नीड। पर लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं बिकॉज यू हैव द टाइम टू चेंज योर फैक्टर, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं लेबर की, ये जो लेबर था शॉर्ट रन में वो क्यों वैरी कर रहा था, किस वजह से? हमें पता है हम शॉर्ट रन में अपनी फिक्स्ड असेट को, फिक्स्ड फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि अगर मेरे पास इतनी लैंड है तो मतलब मेरे पास इतनी लैंड ही होनी चाहिए, मैं उसको इंक्रीज नहीं कर पाऊंगी शॉर्ट रन में। 3-4 महीने का टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उसमें हम अपने फैक्टर्स को, हमारे फिक्स फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाते, लैंड, कैपिटल, ऑनर, उनको चेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर जो लेबर है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों, किस रीजन की वजह से? क्या पता हम अपने जो जमीन है उसमें आधे ही चीजों का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, मतलब कि अगर हमें 200 लोगों की नीड है उस जमीन में, पर हम क्या कर रहे हैं 100 या 120 लोगों से काम चला रहे हैं, तो हम क्या करेंगे उसकी वजह से? अगर 100 या 120 लोग काम कर रहे हैं, जब 200 जगह की अगर आ सकते हैं उसमें, तो मतलब प्रोडक्शन भी कम हो रहा होगा, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं उस जो रिसोर्सेज में पे, गिवन रिसोर्सेज है उसका क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन है। अब क्या होगा, मैं लेबर को बढ़ा दूंगी, मैं लेबर को बढ़ाऊंगी, जिससे कि मैं अपने जो मेरी अंडर यूटिलाइजेशन है उनको रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज करूं, और अगर जब रिसोर्सेज सही तरीके से यूज होंगे तो हमारे प्रोडक्शन में प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी हमारी बढ़ेगी।
तो हमने देखा कि मेरे पास लैंड तो इतनी है, पर मैंने इस लैंड में जितने लेबर की रिक्वायरमेंट थी उतने लेबर वहां पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने लेबर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, पर उधर उस हद तक जितने की जरूरत है। अगर 50 या 200 लोगों की जरूरत है तो आप 200 लोग ही उसमें रखो। अगर आप ज्यादा ज्यादा लेबर का यूज करोगे, ज्यादा वेरिएबल फैक्टर का यूज करोगे, तो एक टाइम के बाद आपको जो रिटर्न मिलने लगेगा वो नेगेटिव मिलने लगेगा, क्योंकि आपको उतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये रीजन होता है कि हमारे जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं शॉर्ट रन में वो वेरी करते हैं। ये हमारी अजम्पशन है कि क्या पता वहां पे लेबर क्या हो, अंडर यूटिलाइज हो, जितने की रिक्वायरमेंट है उतने नहीं हो। तो भाई अगर जितने का यूज, जितने रिक्वायर्ड है उतने नहीं है वहां पे, तो मतलब अब हमें लेबर बढ़ानी चाहिए। जब लेबर बढ़ेगी तो मतलब हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। दैट इज द रीजन कि जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वो वेरी करते हैं शॉर्ट रन में। पर अगर हम बात करें लॉन्ग रन में, हमारे सारे के सारे फैक्टर्स लॉन्ग रन में क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अगर मैं शॉर्ट रन की एक टेबल देखूं, हम मेनली अपने दो ही फैक्टर लेंगे, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड के अंदर हम अपनी लैंड को लेंगे और हम वेरिएबल के अंदर अपने लेबर्स को लेंगे। अब मैं देखूं कि भाई चाहे मैं शॉर्ट रन में कितना भी प्रोडक्शन कर लूं, मेरे पास जो लैंड रहेगी वो बिल्कुल फिक्स्ड ही रहेगी। मैं अपनी लैंड को नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना पैसे को 2-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर पाऊं और लैंड को परचेज कर पाऊं। अगर मेरे पास इतनी ही जमीन है तो मेरे पास इतनी ही जमीन रहेगी शॉर्ट रन में। पर हाँ, मैं लेबर को बढ़ा सकती हूँ क्योंकि वहां पे क्या पता अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा हो, मतलब जितने लेबर वहां रिक्वायर्ड है वहां पे नहीं है। तो इस केस में मेरे लेबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। जस्ट एक लैंड पे मैंने एक लेबर बढ़ाया, जब मेरे लैंड बिल्कुल सेम थी तब मैंने एक और लेबर बढ़ाया था जिससे कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, फिर लैंड सेम तो हमारी लेबर इंक्रीज, फिर एक और बार फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसी हमारी लेबर इंक्रीज होती रहेगी। पर एक हद तक, अगर आप एक हद से बाहर जाओगे किसी भी चीज को, वो उस हद के बाद आपको नेगेटिव रिटर्न ही देने लगेगा। अगर मैं बात करूं इसके रेशियो की, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 and 1:7 कि भाई मैंने एक के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मैंने एक लेबर को यूज करा, मैंने एक को बढ़ाने के लिए दो लेबर का यूज, फिर तीन लेबर का, फिर चार लेबर का, फिर पांच लेबर का, फिर छह लेबर का, फिर सात लेबर का। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरे वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो तो चेंज होते जा रहे हैं, पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो मेरे बिल्कुल कॉन्स्टेंट है। दैट इज वन, वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो हम इसको अपने एक टेबल से समझते हैं। मानो कि हम शॉर्ट रन में वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारे पास इतनी सी लैंड है, मतलब हमारे जो फिक्स फैक्टर है शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे जो फिक्स फैक्टर होते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी टाइम की अवेलेबिलिटी नहीं होती कि हम अपने फिक्स फैक्टर को चेंज कर पाए। इतने ही लैंड में मुझे अपने वीट का प्रोडक्शन करना है, चाहे मैं कितने भी लेबर बढ़ाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं। पर जैसे जैसे मैं लेबर इंक्रीज कर रही हूं, मतलब मेरी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। जब एक लेबर था तो मैं 40 का प्रोडक्शन कर पा रही थी, पर जब दो लेबर हुए, इन द गिवन लैंड, तो मैं 100 का प्रोडक्शन करने लगी। जब तीन लेबर हुए, जब मैंने एक और लेबर का इंक्रीमेंट किया, तो कितने का प्रोडक्शन हुआ, 180 का। जब
चार लेबर हुए इन द गिवन लैंड, क्योंकि हमारी लैंड क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. पर जो मेरे पास लैंड है उसमें अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा था रिसोर्सेस का, लेबर जितने होने चाहिए थे उतने नहीं थे, इसलिए प्रोडक्शन हमारी बढ़ नहीं रही थी. पर जैसे जैसे मैं लेबर इंक्रीज कर रही हूं मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है. पर आपको लेबर एक हद तक क्या करनी है, बढ़ानी है. अगर आप एक हद से ज्यादा बढ़ाओगे तो वो आपको नेगेटिव रिटर्न देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको जितने लोग चाहिए उतने तो हो गए हैं. अगर आप एक और एक्स्ट्रा जना ला रहे हो तो वो क्या बैठेगा, खाली बैठेगा, और 10 लोगों को अपने साथ बातचीत में लगाएगा, जिससे कि वो जो लोग काम कर रहे होंगे वो काम नहीं करेंगे, इससे आपका प्रोडक्शन डाउनफॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा. जब मैं 5 लेके आई तो 280 का प्रोडक्शन हुआ, जब मैं 6 लेके आई तो 300 का प्रोडक्शन. पर जब मैंने, अब जरूरत नहीं है, अब आपको जितने लेबर आपके उसके लिए जरूरी थे, इतनी लैंड पे आपको 6 ही लेबर हो सकते थे. मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो ये नहीं कि आप अंधाधुंध लेबर को बढ़ा रहे हो. जितने लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, जितना काम होगा, जितनी उस लैंड में काम हो सकता है उतना ही तो करोगे. पर आपने क्या करा, एक और लेबर बढ़ा लिया, आपने क्या करा, एक और लेबर बढ़ा लिया, जिससे कि भाई वो जो एक एडिशनल आप लेबर को लेके आए होगे वो क्या करेगा, खाली तो बैठेगा, क्योंकि आपका जो वर्क था उस. और अगर आप फिर भी जीत करके एक और लेबर को लेके आ गए तो आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, घटने लगेगा, क्योंकि वो और 10 लोगों को अपने साथ बातें लगा के वो 10 लोग क्या करेंगे, उसकी बातों में लग जाएंगे, जिससे कि बातचीत होगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और आपका टीपी क्या करने लगेगा, फॉल करने लगेगा, दैट इज टोटल प्रोडक्शन. अब हम कुछ कैलकुलेशन देखते हैं, फिर इनके बीच में हम रिलेशनशिप समझेंगे. हम निकालना एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट कि एक पर्सन कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है. अगर मैं बात करूं 40/1 कि एक पर्सन 40 का कर रहा है, अगर मैं बात करूं 2 पर्सन 50 का प्रोडक्शन कर रहा है, 180 × 3 एक इंडिविजुअल पर्सन कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 60 per unit. अगर मैं बात करूं 4 पर्सन 60 कर रहे हैं, 20/5 56. (300/6) 50. 300/7 ये कुछ पॉइंट में आएगा 42.85, और 280/8 इज 35. तो हमने क्या देखा कि जब एवरेज प्रोडक्शन जो था हमारा, कि एक पर्टिकुलर पर्सन कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है, तो पहले तो वो सही दे रहा था, पहले वो 40 बढ़ रही थी, पर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई, फिर हमारा जो एवरेज प्रोडक्ट है वो रिटर्न क्या आने लग गया, डिमिनिशिंग आने लग गया, क्योंकि जितने की लोगों की जरूरत नहीं है, आप फिर भी अगर लोगों को घुसा रहे हो तो वो लोग भी जो बचे कुचे लोग हैं, जिनका काम नहीं है, जिनकी नीड नहीं है, वो दूसरे लोगों को भी बातों में लगाएंगे. अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक एडिशनल लेबर को लाके आपके टोटल प्रोडक्ट में कितने का चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. हमने पढ़ा था एमपी, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था मार्जिनल यूटिलिटी की एक पर्टिकुलर यूनिट को, एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके जो चेंज आ रहता है मेरे टोटल यूटिलिटी में, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी. अब हम देखेंगे मार्जिनल मतलब क्या होता है. मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल मतलब क्या होता है, चेंज. किसमें चेंज, टोटल में. किसके टोटल में, बगल वाले के टोटल में. अब एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके, क्योंकि यहां पे क्या है, प्रोडक्शन हो रहा है, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करके जो चेंज आ रहा है आपके टोटल प्रोडक्ट में, इट इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. कि भाई आपको एक एडिशनल यूनिट के लेबर को यूज करके, एक एडिशनल यूनिट के लेबर के यूज करके जो आपके चेंज आ रहा है किसमें, टोटल में, क्योंकि लैंड तो आपकी फिक्स है, आपका चेंज किसमें आ रहा है, लेबर में. एक एडिशनल यूनिट के लेबर को यूज करके जो आपका चेंज आ रहा है आपके टोटल प्रोडक्ट में, नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट. 40, जब आप एक और लेबर लेके आए तो आपका 60 का चेंज आया, जब आप एक और लेबर लेके आए तो आपका
80 का चेंज आया, फिर आप एक और लेबर लेके आए तो आपका 60 का चेंज आया, फिर आप एक और लेबर आए दैट इज 40, फिर 20, फिर 0, कि भाई आपका अब कोई भी चेंज नहीं आया, अब आप लेबर को लाना बंद कर दो, आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना चाहिए था, पर आप यहाँ पे हुए, कोई बात नहीं, आपका आपने यहाँ पे खाली बिठा दिया उसे, पर आप यहाँ पे भी नहीं रुके, आप एक और लेबर लेके आए जो माइनस में चले गया, मतलब एक एडिशनल यूनिट लेबर को लेके आने के बाद जो आपका चेंज आ रहा है टीपी में वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब आपका प्रोडक्ट, आप टोटल प्रोडक्शन जो है वो डाउनफॉल हो रहा है, तो आप प्रोडक्शन बंद करोगे नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि अगर आप लेबर लेके आ रहे हो तो लिमिट तक लेके आना, क्योंकि एक हद से ज्यादा लेके आना वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगा, अगर आप किसी भी चीज का हद से ज्यादा कंजप्शन करते हो तो वो आपको डिमिनिशिंग रिटर्न या नेगेटिव रिटर्न ही देगा। अब मैं बात करती हूँ अपने टोटल प्रोडक्ट की, बस अभी हम यहाँ पे अपने टोटल प्रोडक्ट को देखेंगे कि उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो मेरा टीपी बढ़ रहा है, मेरा टीपी बढ़ रहा है, मेरा टीपी बढ़ रहा है, कैसे रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। फिर मैं एक और लेबर आई, फिर मेरा टीपी बढ़ा इंक्रीजिंग रेट से, आई मतलब इंक्रीजिंग रेट से। फिर मैं एक और लेबर आई तो मेरा जो टोटल प्रोडक्शन था वो मेरा इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट से। पर जब मैं फोर्थ लेबर अपने फर्म के अंदर अपनी गिवन लैंड पे कांस्टेंट लैंड पे लेके आई और मैं जब एक एडिशनल लेबर लेके आई तो मेरा टोटल प्रोडक्शन तो बढ़ा, पर मेरा टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। मतलब कि भाई जो मेरे चेंजेस बढ़ रहे थे, जितने का चेंज पहले आ रहा था अब उतने से पहले का चेंज कम आ रहा है। फिर जो मेरा टीपी है वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर मेरा टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ा, फिर एक बार ऐसा आया कि जो मेरा टोटल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आप एटने ले, मतलब ये सिचुएशन है फॉल, मतलब कि भाई आपका टीपी यहाँ पे मैक्सिमम, फॉल तो नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे अब आपका टीपी आपके मैक्सिमम पे पहुंच गया, भाई इतने लोगों पे आप इतने का ही प्रोडक्शन कर सकते हो, अगर आप इतने लेबर में इतनी जितनी आपकी लैंड है और जितने आपके लेबर्स है 6 लेबर्स, आप इतना प्रोडक्शन आपके लिए सफिशियंट है, पर आप फिर भी गिवन लैंड पे एक और लेबर को लेके आए तो वो क्या होगा, खाली तो बैठेगा, क्योंकि आपका 6 लेबर सफिशियंट है पर आप एक एडिशनल लेके आ गए तो वो खाली बैठा रहा, उसके आपसे प्रोडक्शन में कुछ भी चेंजेस नहीं आया। पर आपने क्या बोला, कोई बात नहीं, हम इस चीज को एनालिसिस नहीं कर रहे, हमारे लिए ये चीज मैटर नहीं करती, लेबर को आते जाओ आते जाओ आते जाओ, आप एक और लेबर लेके आए तो भाई आपका टोटल प्रोडक्शन डाउनफॉल होने लग गया, यहाँ पे आपका टीपी फॉल होने लग गया, जस्ट बिकॉज कि आप एक एडिशनल लेबर लाए, तो जब एक एडिशनल लेबर और आएगा जिसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो अपने साथ में 5 लोगों को 6 लोगों को बातचीत में लगाएगा, जिससे कि जो काम कर रहे थे वो काम ना करके बैठे रहेंगे, गप्पे मारेंगे, तो कहां से प्रोडक्शन होगा, पहले प्रोडक्शन जितना हो रहा था उससे घट जाएगा आपका प्रोडक्शन। पर अगर मैं यही चीज अपनी एमपी में देखूं, फर्स्ट मेरा एमपी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, मेरा एमपी इंक्रीज हो रहा था, पर आफ्टर फोर्थ लेबर, जब मैं फोर्थ लेबर को लेके आई इन द कांस्टेंट लाइन तो मेरा एमपी डिक्रीज होने लग गया, मेरा एमपी डिक्रीज होने लग गया और एक टाइम पे वो बिल्कुल 0 हो गया और फिर वो मेरे को नेगेटिव रिटर्न्स को प्रोवाइड करने लग गया। तो हमें क्या देखने को मिला कि भाई जब टीपी इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, जब आपका टीपी इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमपी भी बढ़ता है, तब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है। फिर जब आपका टीपी बढ़ तो रहा है, आपका टीपी बढ़ तो रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो भाई किस रीजन की वजह से, क्योंकि आपका एमपी डाउनफॉल होने लग गया है, आपका एमपी, ये सारे क्या एक ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एमपी का नेगेटिव होना किस पे डिपेंड है, क्योंकि टीपी पे, क्योंकि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से।
फिर आपका टीपी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, तो इसका रीजन है आपका एमपी भी जीरो हो गया। अब आपका चेंज क्या आएगा, जीरो का आ रहा है। आपने अगर कोई प्रोडक्शन ही नहीं करी, लोग खाली बैठे हुए, कहां से प्रोडक्शन होगा। जितने लोगों की रिक्वायरमेंट थी, जितने हमारे पास लैंड थी, जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे, उसका फुल यूटिलाइज हो रहा है, तो अब कहां से प्रोडक्शन होगा। हमारे पास जितने रॉ मटेरियल है उसमें सारे बंदे लगे हुए, सारे पर्सन लेबर वर्क कर रहे, तो कहां से प्रोडक्शन बढ़ेगा। पर हाँ, अब जब आप एक एडिशनल लेबर को लाए तो भाई वो काम ना करके दूसरे लोगों को बातों में लगाएगा, जिससे कि आपका टीपी फॉल होने लगेगा। और दिस इज द रीजन ऑफ एमपी बिकम नेगेटिव। और ये रीजन होता है कि आपका जो एमपी होता है वो नेगेटिव होता है। अगर हम इसको अपने डायग्रामेटिकली फॉर्म में देखें, डायग्रामेटिक फॉर्म में देखें, तो बहुत ईजी है। अपने डायग्राम को क्लियरली बनाएंगे, बिल्कुल आपका पता होना चाहिए आपको आपके तीन फेजेस कि जब टीपी आपका बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, जब आपका टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमपी भी बढ़ा। पर जब आपका टीपी बढ़ रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमपी क्या डाउन होने लग गया, गिरने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। पर जब आपका टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया तो हमारा एमपी जीरो हो गया। और जब आपका एमपी नेगेटिव होने लग गया, नेगेटिव एमपी नहीं, जब आपका टीपी गिरने लग गया, डाउनफॉल होने लग गया, 300 से 280 पहुंच गया, दैट इज द रीजन कि वो हमारा जो एमपी है वो क्या होने लग गया, हमारा एमपी हमारा नेगेटिव हो गया, दैट इज -20। यहां पे हम बात करेंगे अपने लेबर की, यहां पे जीरो, और यहां पे हमारा टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। तो हम देखेंगे कि भाई जब मेरा टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर हमारा टीपी एक पॉइंट के बाद डिक्रीज होने लग गया, बढ़ तो रहा है किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, और फिर वो डाउन होने लग गया। मतलब जब हमारा टीपी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, देन सेकंड स्टेज में हमारा टीपी बढ़ा, हमारा टीपी हम बढ़ा, पर किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, फॉर एक पॉइंट के बाद वो डाउनफॉल होने लग गया, गिरने लग गया, जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई अब आपके लेबर रिक्वायर्ड नहीं थे, आप फिर भी लेबर को लेके आ रहे हो। तो ये हमारा फेज वन है, ये हमारा फेज टू है, और ये हमारा फेज थ्री, ये हमारा फेज थ्री है। पर अगर मैं बात करूं अपने एमपी की, ये था हमारा टीपी। पहले आपका एमपी बढ़ा, पहले आपका एमपी बढ़ रहा था, फिर गिरने लग गया, और एक पॉइंट के बाद वो नेगेटिव चला गया, यहां से नेगेटिव चला गया। जब टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच गया, तो हमारा जो एमपी था वो नेगेटिव होने लग गया था। जब हमारा टीपी मैक्सिमम पे था तो हमारा एमपी नेगेटिव हो गया। दैट इज द डायग्रामेटिक फॉर्म ऑफ टीपी एंड एमपी कर्व। कि भाई जब आपका टीपी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमपी भी बढ़ रहा है। जब आपका टीपी बढ़ तो रहा है पर किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो आपका एमपी क्या हो गया था, गिरने लग गया था, कम होने लग गया था। पर जब आपका टीपी अपने मैक्सिमम पे पहुंचा तो भाई आपका एमपी नेगेटिव हो गया। और जब टीपी आपका गिरने लग गया तो आपका एमपी भी क्या होने लग गया, नेगेटिव हो गया था। ये इसका डायग्रामेटिक फॉर्म था टीपी एंड एमपी का। तो हमने ये रिलेशनशिप पढ़ा, इसको ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमें गिवन लैंड में ही अपने लेबर, अपने वेरिएबल फैक्टर ऐड होते रहते हैं, पर जो हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं हम उनको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में इंक्रीज नहीं कर सकते। पर जो हमारे वेरिएबल फैक्टर है ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन हम उसको इंक्रीज कर पाते हैं। तो हमने उसकी एक प्रेजेंटेशन देखी, एक कॉन्सेप्ट देखा कि कैसे ये वर्क करता है,
और रिलेशनशिप देखा। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, आपका रिलेशनशिप जो है टीपी और एमपी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था, ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन 101 पूछे ही जाते हैं इनके बीच का रिलेशन, कि जब भाई टीपी आपका बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से तो एमपी में क्या फर्क पड़ रहा है, जब आपका टीपी अपने मैक्सिमम पर पहुंच गया तो आपका एमपी में क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, जब आपका टीपी गिरने लग गया डिक्रीज होने लग गया जीरो हो गया तो आपका टीपी जीरो तो होता नहीं है, पर जब आपका टीपी क्या या फिर आपका एमपी जीरो हो गया तो टीपी में क्या इफेक्ट आ रहा है। ऐसे कंबाइंड ये क्वेश्चन आपको ट्रिकी करने के लिए पूछे जा सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ गया तो ये इसकी डायग्रामेटिक फॉर्म, इनके रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है, ये हलवा है बिल्कुल, बस आपके समझने के ऊपर है कि आप इसको कैसे समझते हो। हम इसके स्टेजेस को, इसके फेजेस को चार पॉइंट में कवर करेंगे, इनके रिलेशनशिप को चार पॉइंट में। अब ध्यान से देखना, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट देन एमपी, एमपी मतलब जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, देन एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, आपका एमपी भी क्या होता है बढ़ रहा होता है। पर जब मैं फेज टू में आती हूं तब क्या होता है, मेरा जो टीपी है, व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, टीपी बढ़ तो रहा होता है आपका टोटल प्रोडक्ट एक एडिशनल लेबर को लाके बढ़ तो रहा होता है, पर कैसे रेट से, डिक्रीजिंग रेट से, तो तब मेरा जो एमपी है देन एमपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, तो आपका एमपी क्या होता है डिक्रीज होने लगता है। ये रिलेशनशिप है कि टीपी जो एमपी है कैसे डिपेंडेंट है हमारे टीपी में, क्योंकि ओवरऑल टीपी एमपी क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, तो ये उसी का ही कॉम्बिनेशन है। पर व्हेन टीपी इज एट मैक्सिमम एमपी बिकम्स जीरो, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है तो हमारा जो एमपी है वो जीरो होने लगता है। व्हेन टीपी फॉल्स, जब आपका टीपी गिरने लगता है एमपी बिकम्स नेगेटिव, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने लगता है, नेगेटिव होने लगता है। ये आपके चार स्टेजेस हैं, किसके बीच में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, ये आपके पता होने जरूरी है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक बात याद रखना, मैंने आपको ऊपर कवर नहीं करी, ये जो पॉइंट होता है जहां पे हमारा टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और जहां पे खत्म होता है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं। ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कौन सा होता है जहां से टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद हो जाता है और इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने लगता है, वहां पे उस पॉइंट को हम बोलते हैं हमारे क्या, उस पॉइंट को होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू अराइज हो सकता है, तो ध्यान रखना टीपी और एमपी का डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए। आप डायग्राम को सही से बनाना तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सही से नहीं बनाते हो देन यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर हाई इन योर एग्जाम, तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम पे ही डायग्राम में और टेबल में ही सारा का सारा राज छुपा हुआ है। जो एग्जामिनर चेक करेगा आपके टेबल और आपके डायग्राम फॉर्म से ही आपके कॉन्सेप्ट को समझेगा, जो आपने लिखा हुआ है वहां पे उससे नहीं।
अगर आपने डायग्राम सही बनाना है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है, टीपी क्या है, एमपी क्या है, रिलेशनशिप बताया कि भाई जब टीपी ये है तो एमपी अपना क्या हो गया, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे है तो एमपी स्टार्स बिकम नेगेटिव। ये पॉइंट थोड़े ऐसे है, तो आप देख लेना, अपने तरफ से सही बना लेना, ये थोड़ी गलती हो गई जब मैंने डायग्राम को अभी चेंज किया। जब एमपी टीपी अपने मैक्सिमम पे होता है तो टीपी क्या होने लगता है, जब टीपी डिफॉल होने लग गया तो एमपी नेगेटिव हो गया, जब टीपी अपने मैक्सिमम पे है तो एमपी जीरो हो गया। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, पर हम एक बार अपनी बुक से भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड। किसमें बात करता है, शॉर्ट पीरियड में बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग सम फैक्टर्स व्हाइल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। कि आउटपुट आपका टोटल प्रोडक्ट है वो चेंज हो सकता है, पर जब आपके कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हो पर कुछ फैक्टर्स आपके क्या रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, जैसे लैंड लेबर कैपिटल, लैंड कैपिटल एंड ऑनर। हम जो हमारा लेबर होते हैं वो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड कर होते हैं। सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। दिस लॉ वॉज डेवलप्ड बाय अल्फर्ड मार्शल। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज प्रपाउंडेड बाय अल्फर्ड मार्शल, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन देखो इन्होंने क्या लिखी, एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर, 1 लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5 लेबर एंड कैपिटल अप्लाइड इन द कल्टिवेशन ऑफ लैंड कॉजेस इन जनरल अ लेस देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द आउटपुट रेस्ट अनलेस इट हैपन टू बी कोइंसाइड विद द इंप्रूवमेंट इन द आर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। कि जब हम लेबर और कैपिटल को जोड़ते हैं तो आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज तो होता है, पर लेस प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटपुट रेस अनलेस, जब तक क्या ना हो, इट हैपेंस टू कोइंसाइड विद द, और जब तक आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपके आउटपुट को हम क्या नहीं कर सकते, इंक्रीज नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है, हमने देखा था उसमें, अगर आप चाहते हो गिवन आउटपुट से आउटपुट को बढ़ाना तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी में भी इंप्रूव करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट्स इन लॉ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हमने देखे। टीपी मतलब इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ द फर्म और द पीरियड ऑफ पर पीरियड ऑफ टाइम, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपकी कंपनी का, एक प्रोड्यूसर का टोटल आउटपुट कितना होता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्रोडक्ट इज टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल इनपुट। कि भाई जब मैंने 1, 2, 3, 4 100, 150, 200, 240 ये सारे क्या है हमारे, ये टीपी है। अगर मैं निकालू अपने एवरेज प्रोडक्ट को तो 100 डिवाइडेड बाय में 1, 150 डिवाइडेड बाय में 2, 200 डिवाइडेड बाय में 3, 240 डिवाइडेड बाय में 4 ये हमारे एवरेज आएगा। कि भाई एक इंडिविजुअल, एक लेबर कितना पर प्रोडक्ट निकाल रहा है, एक टाइम पीरियड में कितना वो प्रोडक्ट को निकाल रहा है ऑन एन एवरेज। एपी क्यू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में लेयर, वे क्यू इज द टोटल प्रोडक्ट एंड एल इज द क्वांटिटी ऑफ लेबर। दैट इज क्योंकि हमारे पास जो लैंड होती है वो हमारी बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि यही हमारी अजम्पशन थी विद अ कॉन्स्टेंट लैंड, विद अ कॉन्स्टेंट फिक्स फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर आपके क्या है, कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट वन इज मार्जिनल। मार्जिनल इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम यूजिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। एक एडिशनल यूनिट को यूज करके जो मेरा चेंज आ रहा है मेरे टीपी में, दैट इज कॉल्ड द मार्जिनल प्रोडक्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आता है तो आप इजीली अपनी डेफिनेशन बना सकते हो मार्जिनल प्रोडक्ट की। जैसे मैंने आपको बताया था, चेंज किसमें आ रहा है, बगल वाले में। किसके बगल वाले में, टोटल के। टोटल के बगल में क्या आता है, प्रोडक्ट। अगर एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करके जो चेंज आ रहा है मेरे टोटल प्रोडक्ट में, दैट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट। तो यही लिखा है, मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ चेंज इन टोटल प्रोडक्ट रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्योंकि जो चेंज आ रहा है वो किसमें आ रहा है, वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि फिक्स फैक्टर तो मेरे कॉन्स्टेंट है बिल्कुल। और एमपी हमारा निकल सकता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय में डेल्टा एल, कि कितने का अगर मुझे निकालना है मेरा चेंज कितने का आ रहा है, तो मेरे को चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय में चेंज इन लेबर। हमने जो यहां पर टेबल करी थी, अगर मुझे यहाँ पे एमपी निकालना हो इस फॉर्मूले से, तो चेंज इन क्वांटिटी, चेंज क्वांटिटी में कितने का चेंज आया, 40 का, और ये 1, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आया। पर मैं बात करूं सेकंड में, कितने का चेंज आया, 60 का। फिर आपके टोट
वेरिएबल में कितने का आया, वन का, तो हमारा एमपी 60 सेम आ रहा है। अगर हम ऐसे भी करेंगे तब भी ठीक है, ये भी हमारा एक फॉर्मूला होता है एमपी एनथ माइनस वन माइनस में एमपी एनथ। फिर चेंज कितने का आया हमारा 80 का, और वेरिएबल फैक्टर में चेंज है हमारे 1 का, दैट इज 80। फिर मैंने देखा 60 का, फिर वेरिएबल में 1 का, फिर मैंने देखा 40, फिर देखा 20 का चेंज आया वेरिएबल में 1 का 20, फिर मेरा चेंज कुछ भी नहीं आया तो 0 पर वेरिएबल में आया 1 का, तो आंसर इज 0। न्यूमरेटर में 0 होता तो आंसर 0 होता है। फिर मेरा चेंज आया 20 का पर माइनस 20 का, और नीचे है 1, तो माइनस 20 हमारा मार्जिनल। इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट ऑब्टेन बाय द फर्म और प्रोड्यूसर बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ टोटल यूनिट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटीज ऑफ लेबर एडेड देन टोटल प्रोडक्टिविटी कैन बी ऑब्टेन। अगर हमें बोले कि हम आपको एमपी दे रहे हैं और आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं। अगर मेरे को एमपी से अपना टीपी निकालना है तो हम इजीली निकाल पाएंगे 40, फर्स्ट लेवल पे तो 40 क्योंकि कोई चेंज नहीं है। फिर 100, 180, 280 + 20, 300, कुछ भी चेंज नहीं आया तो 300, फिर माइनस का हो गया तो 280, 300 में 20 गए तो 280, क्योंकि हम एमपी से भी, क्योंकि एमपी से ही तो टीपी निकल रहा है और टीपी से तो एमपी निकल रहा है, बात तो सेम है, हम किसी से भी किसी को निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं अपने लॉ ऑफ वेरिएबल की असली कॉन्सेप्ट में। ये हमने पढ़ा एवरेज, मार्जिनल भी पढ़ा, टीपी डिवाइडेड बाय में एल, टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में चेंज इन लेबर, या फिर एमपी का फॉर्मूला होता है टीपी एन, एन मतलब कौन सी यूनिट और एन माइनस वन। मार्शल एक्सप्लेन्स लॉ विद एन एग्जांपल, ही अप्लाई दिस लॉ इन द कल्टीवेशन ऑफ लैंड, किसमें, अपने लैंड की कल्टीवेशन में इसका, इस लॉ का उन्होंने अप्लाई करा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन लैंड इज केप्ट इज कॉन्स्टेंट एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग द लेबर इन द फर्स्ट स्टेज, आपने, हमने पता है हमने लेबर क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर इतनी लेबर यूज कर रही हूं और मैंने इतने ही लेबर लेके आ रखी तो मतलब मेरे रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो मैं इस फील्ड में अपने और लेबर्स को लाऊंगी जिससे कि मेरा टोटल आउटपुट जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए मेरे जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, जो मेरे लेबर्स होते हैं, उनको हम वेरिएबल फैक्टर मानते हैं। इंक्रीज द लेबर इन फर्स्ट स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न, सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड थर्ड स्टेज नेगेटिव रिटर्न आर अकर, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग टेबल। हम इसको फॉलोइंग टेबल से पढ़ सकते हैं कि भाई आपका टीपी पहले इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर आपका इंक्रीज तो हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, फिर आपका टीपी जीरो हो गया, देन टीपी आप, जब टीपी आपका यहाँ पे अपने मैक्सिमम पे, फिर आपका टीपी यहाँ पे फॉल होने लग गया इस पॉइंट पे, और ये आपकी कि भाई यहाँ पे आपका जो टीपी है वो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से, फिर यहाँ पे आपका टीपी इंक्रीज तो हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से, और जब आपका टीपी अपने मैक्सिमम पे है तो आपका एमपी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, पर जब आपका टीपी गिरने लग गया फॉल होने लग गया तो आपका एमपी नेगेटिव चला गया। अब हम इसकी स्टेजेस की बात करें अपनी बुक से। इन द फर्स्ट स्टेज टीपी एमपी एंड एपी आर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज एमपी स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, पर जब फर्स्ट स्टेज मेरा खत्म हुआ तो जो मेरा एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, द फर्स्ट स्टेज वॉज एंड वेन एमपी इज इक्वल टू एपी, और क्या हुआ जब मेरा एमपी किसके बराबर है, मेरे एपी के बराबर, जब मेरा फर्स्ट स्टेज खत्म हुआ तो मेरा एमपी और एपी क्या है, बिल्कुल सेम है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट मेरे को बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। इन द सेकेंड स्टेज टीपी गोज ऑन इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग विद डिमिनिशिंग रेट, एपी गोज ऑन डिमिनिशिंग, तो हमारा एपी भी क्या हो गया, गिरने लग गया, क्योंकि एपी तो क्या है, टोटल प्रोडक्ट का ही तो वो है वेरिएबल है कि भाई टोटल प्रोडक्ट जो है उसको मैंने डिवाइड करा अपने वेरिएबल फैक्टर से, अगर टीपी बढ़ रहा है तो एपी भी बढ़ेगा, अगर टीपी घट रहा है तो हमारा एपी भी घटेगा। एमपी आल्सो गोज ऑन डिमिनिशिंग एट द एंड ऑफ सेकेंड स्टेज, टीपी रीच द मैक्सिमम व्हेन द टीपी इज मैक्सिमम द एमपी इज जीरो, इट एंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो अपने वो एक्स एक्सिस को काटेगा यहां पे।
In the third stage, टीपी एपी गोज ऑन डिमिनिशिंग बट द एमपी बिकम्स नेगेटिव. जब आपके टीपी और एपी नेगेटिव हो गए हैं, टीपी और एपी आपके जब गिरने लग गए, डिमिनिशिंग होने लगे, जब आपके टीपी 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 और एपी डिमिनिशिंग होने लग गए हैं, तो आपका जो एमपी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये दो स्टेजेस पे आपका जो एमपी है वो क्या होने लग गया, नेगेटिव होने लग गया है. एक्स एक्सिस द एमपी कर्व इंटरसेक्ट द एपी कर्व व्हेन एपी इज मैक्सिमम. और जब आपका टीपी एमपी इंटरसेक्ट करता है एपी कर्व को, तो आपका जो एपी है, जो एवरेज प्रोडक्ट है, वो अपने मैक्सिमम पे होता है. मैं आपको डायग्राम बता के दिखाती हूं कि एपी का कैसा डायग्राम होता है. तो अगर हम अपना इन तीनों का डायग्राम देखें, टीपी का भी, एमपी का भी और एपी का भी, तो हमने पहले टीपी और एमपी का देखा कि भाई जब टीपी इंक्रीज हो रहा होता है इंक्रीजिंग रेट से, तो हमारा एमपी भी बढ़ता है, तो साथ के साथ हमारा एपी भी इंक्रीज होता है, एपी भी बढ़ता है. पर जब मेरा टीपी इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो मेरा एमपी गिरने लगता है, फॉल होने लगता है, तो आपका एमपी भी गिरने लग गया. फिर एक पॉइंट आता है जहां पे आपका एमपी और एपी एक दूसरे को काटते हैं, तो वो पॉइंट होता है जहां पे एमपी बराबर है किसके, एपी के. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एमपी ज्यादा है आपके एपी से, पर फिर जब एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है, तो आपका पॉजिटिव होते हुए एपी आपसे ज्यादा हो जाता है आपके एमपी से. और मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट होता है हमारा इन्फ्लेशन का, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताऊंगी, लिखवाऊंगी, सब चीज करेंगे इस अगले लेक्चर में.